गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। आज हमारी दिविजा सबसे पहले उठी है और उसने फिर मुझे उठा दिया है ना। अब कैसे उठे आज सबसे पहले और हमारी मेरा एक्चुअली ये रात में कल ज़्यादा जल्दी सो गई थी जितना सोना चाहिए उससे पहले। और ऐसे तो रात में फिर ये उठी हुई थी, इसने थोड़ा मिल्क लिया, पी वगैरह किया था, लेकिन फिर से मैंने इसको सुला दिया था कि ताकि ज़्यादा देर तक अगर ये बिना सोई रही तो वही से फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी, रूटीन चेंज हो जाएगा। मैं उस टाइम मैं थोड़ा मिडनाइट तक जगती हूँ ताकि इनको नाइट में पी वगैरह करा दूँ, कुछ अगर थोड़ा बहुत ये पानी दूध कुछ पिए वो पिला दूँ, और मेरी वीडियो एडिटिंग वगैरह वो अपलोडिंग वो सब मैं करती हूँ। तो नाइट में उठी थी एक बार, बट फिर से सुला दिया था मैंने इसको, तो अभी इसकी नींद पूरी हो चुकी है, तो ये अपने आप से हमसे सबसे पहले उठ गई है है ना। और उठते ही मुझे कह रही है कि मम्मा उठो, डे हो गया है। हम ना यहाँ इसको ये रखते हैं थोड़ा इस तरह से कि जब लाइट ऑफ करें तो बाहर एक्चुअली काफ़ी सारी लाइट्स होती हैं, तो उनकी वजह से ना थोड़ा रिफ्लेक्शन आता रहे, तो बच्चा अगर मिडनाइट में उठ भी जाए तो उसको ये नहीं लगे कि एकदम से डार्क है ना, तो बाहर से थोड़ी वो लाइट आती रहती है और सुबह भी पता चल जाता है कि सुबह हो गई है तो इसलिए हम कर्टेंस को हटा के ही रखते हैं थोड़ा। What was that? Okay. So now, good morning, everyone. Good morning, everyone. ठीक है, अभी हम लोग उठ जाते हैं। और ये देखो, ये देखो तो दीदी आपकी क्या कर रही है, उसको डिस्टर्बेंस हो रही है ना, और मुझे लग रहा है बेड से नीचे गिर जाएगी ऐसे करते करते। तो ओए अम्मा बेड से नीचे गिर जाओगे बेड से नीचे गिर जाओगे। अब दीदी का हैंड होल्ड करके रखना, sleep more, I think. So let her sleep. Come. It's not sleep, Daddy. Aja, aja. Let's go to the kitchen. Mom, mommy, aja. Mom, mommy, nahi aaye. This weekend nahi aaye. Mom, mommy, next weekend aaye. Okay. इनके मामू मामी आ जाते हैं, यही रहते हैं पास में ही, पास में मतलब दूसरे सिटीज़ में, हम गुड़गांव में रहते हैं, नोएडा में रहते हैं, तो वीकेंड पे वो लोग आ जाते हैं फ्राइडे नाइट में, सैटरडे संडे ऑफ होता है, मंडे मॉर्निंग में जाते हैं। तो इनको वीकेंड पे नाइट में सोती है ना, क्योंकि वो फ्राइडे को लेट आते हैं थोड़ा, तो फ्राइडे को ये सो जाती है, तो सैटरडे को जैसे ही मॉर्निंग में उठती है इनको ये रहता है मामू मामी होंगे उस रूम में इसके दिमाग में वही चल रहा है अभी नहीं आए बेटा इस वीकेंड मामू मामी, नेक्स्ट वीकेंड आएंगे। ओके, लास्ट वीकेंड आए थे इसलिए ऐसे ही नहीं आए इस वीकेंड की, ट्रैफिक हो जाता है फिर रास्ते में भी टाइम लगता है मामू को, रेस्ट कर लेंगे वो लोग नेक्स्ट वीकेंड आएंगे अपने लिए। ठीक है, आपकी दीदी देखते थे तो क्यों मार रही है बेटा मेरी
अम्मी छोटी दीदी है आपकी। तो आज है मंडे, मंडे को हम जिमनास्टिक जाते नहीं है, घर पर ही कुछ एक्सरसाइज योगा वगैरह करते हैं। तो ये हमने इलास्टिक बैंड नया ऑर्डर किया था, तो इसी से वो लेग्स की एक्सरसाइज कर रही है ताकि उसकी जो किक वगैरह है वो अच्छे से हो, और भी उसको कुछ भी हैंड स्टैंड बैक फ्लिप कुछ भी करना है तो उसमें उसको हेल्प मिल जाए। तो ये मैंने कुछ कुछ क्लिप्स ओनली एड ऑन करी थी, पूरी नहीं है ये सारी चीज़ जो भी इन्होंने एक्टिविटीज़ करी हैं, बट कुछ कुछ है जो दोनों लेग्स ही करी, पहले इस वाली लेग की फिर दूसरी वाली लेग की, इसके साथ करी हैंड्स की भी करी थी उसने ऐसे ही खींच में की ताकि हैंड्स भी उसके स्ट्रॉन्ग हो। एंड दिविजा है वो अपना कर रही है, और अमायरा उसके बाद कर रही है अपना योगा, मैंने इसको योगा बोल दिया था करने के लिए। एंड जो दिविजा है उसको मैं लेग्स की एक्सरसाइज करवा रही हूँ क्योंकि उसकी लेग्स में थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, अभी उसकी लेग्स में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, उतना सपोर्ट नहीं कर पाती हैं वो कोई भी चीज़ करनी होती है। तो दिविजा कर रही है रनिंग क्योंकि उसको लेग्स की एक्सरसाइज करनी थी, और उसको वेट पहना दिया है मैंने। वेट पहनाने से भी जो मसल्स हैं उनकी ट्रेनिंग होती है अच्छे से, वो थोड़ी सी स्ट्रेच होती हैं उनको लेके, वो जंप करे जब लेग्स की इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज करे, रनिंग करे, हाई जंप, लॉन्ग जंप, जो भी लेग्स की स्ट्रेचिंग कुछ भी एक्सरसाइजेज हैं, तो मुझे उसकी लेग्स पे वर्क करना है, इसलिए मैं उसको स्लो स्लो रनिंग करवा रही हूँ यहाँ पे। और अमायरा अपना योगा कंटिन्यू कर रही है, अब मैं यहाँ पे उसको जंपिंग की एक्सरसाइज दी है। इसके बाद ये करेगी कुछ डंबल की एक्सरसाइज, ताकि मीन्स हैंड की एक्सरसाइज डंबल वाली, जिससे कि इसके हैंड में भी स्ट्रेंथ आए। तो ये उसी का मजाक बना रखा है इसने। मैं सोफ़ा पे इसलिए करवाती हूँ ताकि सेफ्टी रहे, थोड़ा बच्चे को हर्ट नहीं हो। ऊपर ले जाने में भी मैंने यही बोल रखा है कि जहाँ तक लिफ्ट हो वहीं तक करना है, आपको जैसे भी लगे थोड़ा डिसबैलेंस हो रहा है तो वापस आपको रख देना है, उसे ज़बरदस्ती नहीं उठाना है, क्योंकि ज़बरदस्ती अगर वो उठेगा तो वो सिर पर गिरेगा या बैक साइड में गिरेगा। तो सेफ्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब भी आप बच्चे को कुछ करवा रहे हैं तो। ओके, तो आगे इनके पैर पे नहीं गिरे, और आगे जब वापस लेके आए तो कभी छूट ना जाए, इसलिए मैं या तो नीचे टेबल रखती हूँ और उस पर मैट रखती हूँ, एंड या फिर मैं सोफ़ा पे इस तरह से इनको ये करवाती हूँ। इसके बाद मैं इसकी बैक की थोड़ी एक्सरसाइज कराऊंगी, इसको यहीं पर मैं थोड़ा सा ऐसे बैंड करवा के इस पर थोड़ा वेट पुट करूंगी। पहले मैं ये 2 kg का डंबल पुट करूंगी थोड़ा सा धीरे धीरे, ताकि ये डिसबैलेंस भी नहीं हो, गिरे भी नहीं, और उसकी बैक पर एकदम से ऐसा बहुत ज़्यादा वेट नहीं हो, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं हो। देखिए, इस तरह की जो भी कुछ चीज़ें होती हैं ना, एक्सरसाइज होती हैं, अगर आपको या तो आप बहुत अच्छे से थोड़ी सी नॉलेज लीजिए उस चीज़ के बारे में, और स्लो स्लो स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ना अगर इंजरी होती है तो प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों के लिए। ये तो हर रोज़ करती हैं, हर बहुत सारी करती हैं, मैं इनको काफ़ी टाइम से करवाती रहती हूँ ये चीज़ें। तो क्या है कि मुझे थोड़ा आइडिया है कि इनको क्या कराना है, क्या नहीं कराना है, कितनी इनकी स्ट्रेंथ है। ओके, तो आप ऐसे ही देख कर मत करवाइए प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है। हर बच्चा डिफरेंट होता है और उसका जो स्ट्रेंथ है, स्टेमिना है, वो भी डिफरेंट होता है। तो मैंने पहले 1 रखा था, अब मैं 2 डंबल रख रही हूँ, कि मीन्स मैं उस पर 4 kg वेट रख रही हूँ, लेकिन मैंने उसको बिल्कुल थोड़ा बैंड कर दिया है पूरी तरह से, ताकि ये जो गिरें तो सोफ़ा पे ही रहें, और उसकी जो बैक है उस पर बहुत ज़्यादा वेट नहीं आए। अब अमायरा का योगा फिनिश हो गया है, अब दिविजा अपनी यहाँ पर लेग्स की ही और थोड़ी एक्सरसाइज करेगी, लेग स्ट्रेचिंग की। उसने वेट अभी भी मैंने उसको पहना ही रखा है, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि ये जितनी भी लेग्स की एक्सरसाइज है ना, ये अभी कर ले। फिर जब योगा स्टार्ट करेगी तो क्या होगा कि उसे ना ये वेट निकालने पड़ेंगे, तो एक बार वेट को पहनो, फिर निकालो, फिर पहनो, फिर निकालो, थोड़ा सा ना बच्चा भी इरीटेट होता है, एंड फिर उसमें टाइम भी वेस्ट होता है। तो अमायरा का योगा ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुका है, इसके बाद वो अगेन अपने शोल्डर की एक्सरसाइज कर रही है स्ट्रेचिंग, कि उसके हैंड्स जो हैं उनमें स्ट्रेंथ आए। तो कुछ भी एक्टिविटी करती हैं तो उसमें लिए उसके लिए हैंड्स और लेग्स दोनों में जो स्ट्रेंथ है, जो स्टेमिना है, वो होना चाहिए,
तभी वो अच्छे से कर सकती हैं। तो किक और पंच हो या जिमनास्टिक हो, इनको ये चाहिए ही चाहिए, या कोई भी स्पोर्ट्स हो, स्विमिंग हो, शूटिंग हो, रनिंग हो, तो लेग्स या हैंड्स या इन दोनों का कॉम्बिनेशन वो बच्चे का चाहिए ही चाहिए होता है। तो दिविजा का मैं लेग्स पे थोड़ा ज़्यादा फर्क वर्कआउट करना होता है हमें, और अमायरा का हमें हैंड्स पे ज़्यादा वर्कआउट करना होता है। तो यहाँ ये अपने हैंड्स का ही कर रही है। अब इसके बाद हमारा अपने जो डंबल है वो लगा रही है। और मुझे किसी ने कमेंट किया कि डंबल लगाने से ना बच्चे की हाइट नहीं बढ़ती है, तो आप डंबल मत लगवाइए। तो भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं होता है कि डंबल लगाने से हाइट नहीं बढ़ती है। डंबल का और हाइट का कोई लेना देना नहीं है, बस ध्यान रखो बच्चे को कोई इंजरी नहीं हो। एंड डंबल होते हैं मसल्स की, डंबल या कोई भी जो वेट वाले जो एक्सरसाइज होती है ना, वो होती है मसल्स की को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ताकि वो की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो। तो उसके लिए है, डंबल का हाइट का कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो जो भी मेरे कराटे वाले या जिमनास्टिक वाले हैं वही मुझे एडवाइस कर देते इस चीज़ के लिए सबसे पहले, और मना कर देते कि आप बच्चे से ये मत करवाइए। बल्कि मुझे डंबल तो मैंने ये खुद से बाय किए थे, बट जैसे जो वेट ये पहनती हैं, हैंड्स में पहनो या लेग्स में पहनो, और जो इलास्टिक बैंड है, ये मुझे जिमनास्टिक वाले ने और कराटे वाले ने ही सजेस्ट किया था कि मैम आप वो करवाइए, उनसे जब करेंगी ना तो इनके हैंड्स और लेग्स में पावर आएगी, और पावर आएगी तो ये जो किक करनी है, पंच करनी है, अच्छे से करेंगी। आज मैं इनके लिए ये टिक्की और अप्पे बना रही हूँ। तो इसमें मैंने पोहा, बीटरूट, यही सब नॉर्मल चीज़ें डाली हैं। बीटरूट की वजह से ना कलर रेडी स्टडीज हो जाता है, तो इनको अच्छा लगता है। और ये नहा ली हैं, अभी नहा धो के रेडी हो गई हैं। मैंने इनकी डांडिया स्टिक दे दी हैं, और अब मुझे इनको छोड़ने जाना है, इसलिए मैंने ना अभी अप्पे वो बनाए नहीं हैं। जब इनको छोड़ के आ जाऊँगी क्लास में, उसके बाद आके मैं इनके लिए वो बनाऊँगी, और फिर मेरे लिए कुछ खाने का बनाऊँगी। तो अभी मैंने सोचा चलो मैं कुछ मखाना भी रोस्ट कर लेती हूँ, साथ में चटनी भी बना लेती हूँ इनके लिए। ये मैंने बना दी है टिक्की, और टाइम आई थिंक 12 o'clock हो गया है। तो अभी मुझे उनको वापस लेने भी जाना है, तो मुझे फ्लेम को फिर से ऑफ़ करना पड़ेगा। इनको मैं आकर ही रोस्ट करूँगी, अदरवाइज़ फिर वो मेरा वेट कर रही होंगे वहाँ पर, लेट हो जाएगा मुझे। तो अभी हम वापस आ रहे हैं डांस क्लास से, एंड फिर हम गए थे शॉप पे टू बाई समथिंग लाइक कर्ड, पोटल कर्ड, जो भी सब्जी फ्रूट्स ये सब हमने बाय किया। एंड ये अमरूद के गवावा के बाहर के जो आता है कवर सा, ये उठा लाइए शॉप से, इनको ही पसंद आते हैं, उठा लाती है वहाँ से, क्योंकि ये बच्चे हैं और बच्चे को कोई भी कुछ भी थोड़ा सा डिफरेंट सा दिखे, उनको उनके लिए वही एक टॉय बन जाता है, एक फ़न एक्टिविटी जैसा हो जाता है। तो ये ले आई और बहुत खुश है अपने आप में कि हाँ हम ले आए, और कुछ नहीं करेंगी या फैलाएंगी, जो कि मुझे साफ़ करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, वापस आके मैंने अगेन अपना ये स्टार्ट कर दिया, चटनी बना ली मैंने, और ये स्टार्ट कर दिया है, ऑलमोस्ट हो गए हैं ये। एंड अभी मैं पपाया कट करूँगी। लड़कियां बैठी हुई हैं उधर। बेटा डांडिया स्टिक उठाओ, ये क्यों, क्या है, डाल के रखो उसमें। बेटा वेयर विल यू ईट, हियर, आई विल ऑल्सो ईट, दिस बिगर वन इज फॉर मी। हाँ मैं अच्छे से बैठो बच्चे, यू आर गिविंग मे मुन्नू वन। बताओ बताओ, ब्लाइंड फोल्ड करना है। हाँ, तो आई क्लोज करके खाने आए, अभी यहाँ पे बहुत सारा है, तो क्या करना है, क्या एक्टिविटी है, आई क्लोज करो और लेफ्ट हैंड में टेक योर फॉक। आई विल ऑल्सो यूज माई लेफ्ट, ओके, आई क्लोज and then you have to eat, okay? Nice. Eye close, no.
एक्टिविटी है। डोंट ओपन आईज, हो जाएगा, दूसरी जगह आप ट्राई करोगे वहाँ हो जाएगा। दिस एक्टिविटी इज गुड फॉर द सेंसेस, क्योंकि जब हमारी आंखें क्लोज होती हैं तब हमारे अदर जो सेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और हमारा ब्रेन हो जाता है अलर्ट, है ना। तो भाई हमने इस किट से और इससे ये व्हील यहाँ से हटाए हैं साइकिल के, अभी साइकिल हो गई है हमारी ऐसी थमक ठमक, हम कैसे चलाएगी। चलो पकड़ो इसको, मैं बिठाती हूँ आपको, हैं। हाँ एंजी ये उठा दो बेटा, की उसमें रख के उसको रख दो वहाँ पे वापस, ठीक है। तो आज है मंडे, मंडे को होता है हमारा, सो आज है मंडे और मंडे को होता है हमारा फ्रेंच एंड अबकस। फ्रेंच ये लोग कर चुके हैं एंड अभी ये कर रहे हैं अबकस। देवी पेंसिल बच्चा, डिड यू फाइंड, नो आई विल हेल्प यू इन गेटिंग पेंसिल। उसमें देखो कलर्स वाले में, जिधर अपने क्रियोन्स वगैरह हैं, ओके। और भाई यहाँ चल रही है मेरी रोटी, तो अभी मुझे रोटी बनानी है, इतना वो कर लेंगे अपना अबकस। देन फिर हम अपना लंच करेंगे। अभी हम कर रहे हैं लंच, लंच में हमने मैंने ये दे दिए हैं इनको, कुछ नहीं लगाया आज, बटर बटर कुछ नहीं लगाएंगे बेटा, सिंपल चटनी या वैसे खाएंगे या दही के साथ खाएंगे और अपना ये खाना लेंगे, ठीक है। एमी बेटा खाना कैसे खाना सिखाया है, अच्छे से बैठते हैं ठीक है फिर खाना खाते हैं, ओके। हाँ हाँ आप ऐसे ही बैठते हो, दीदी आपकी ऐसे बैठ जाती है उच्चक निचक। हमने अबकस किया था, फिर हमने खाना खाया। आवाज आती है तो इधर पे, अरे अभी स्टार्ट हो रखा है, अभी तो स्टार्ट किया। ओके सो दीवी हमारी रीड कर रही है आज ये स्टोरी नकलची बंदर, करो।
तो अमायरा कर रही है मैथ यहाँ पे, आंटी भी चाहे हिंदी रीडिंग कर रही है। तो अमायरा आज जो मैथ कर रही है वो दिविजा वाली ही जो फर्स्ट क्लास की बुक है वो कर रही है, इसलिए मैंने इस टाइम पे दिविजा से मैं हिंदी करवा रही हूँ, ताकि क्योंकि एक ही बुक है दोनों एक साथ यूज़ नहीं कर सकती हैं। तो इसमें एक टेस्ट है जो वो कर रही थी, तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं इसे करने देती हूँ। इसके बाद हम क्या करेंगे कि दिविजा मैथ कर लेगी एंड अमायरा जो है वो हिंदी कर लेगी। हिंदी में ये दिविजा भी कह रही है कि इसको भी टेस्ट करना है, क्योंकि अम्मी ने भी इसका जो टेस्ट वन किया था इसको अब टू नंबर करना है। एंड अमायरा करेगी हिंदी, हिंदी में आज वो हिंदी पोएम लर्न करेगी। तो अभी मैं उसकी नेल्स कट कर रही थी, तो उसके बाद इसने क्या किया है कि इसने बोला कि एक नेल इसको अपने आप से कट करना है, क्योंकि इसे लगता है कि इसे नेल्स बहुत अच्छे से कट करने आते हैं। तो मैंने इसको दे दिया वन नेल कट करने के लिए, अभी ये उसी में लगी हुई है। और मैं यहाँ दिविजा को मैथ करवा रही हूँ, उसके बाद अमायरा जाएगी और अपनी हिंदी की बुक लेके आएगी एंड वो पोएम जो उसको लर्न करनी है उसे रीड करेगी एंड लर्न करेगी। बट उससे पहले होगा हमारा ब्रेक टाइम, क्योंकि अभी मैथ किया है तो मैथ के बाद ये है कि एक ब्रेक टाइम होना चाहिए। इनको दूध वगैरह पी लेंगी, मैं चाय पी लूँगी एंड देन फिर हम हमारा नेक्स्ट जो बुक है वो स्टार्ट करनी। तो मैं अभी यहाँ आके हमने क्लॉथ चेंज कर लिए कराटे क्लास के बाद एंड हैंड वॉश एंड थोड़ी देर इनका ऐसे फ्री टाइम था, कुछ जो भी चीज़ें पड़ी हुई थी उनको इधर उधर ही अरेंज कर रही थी, क्लॉथ फोल्डिंग एंड ऑल जो भी हम कराटे क्लास जाने से पहले फैला के गए थे। एंड तो अभी हम अपना डिनर करते हैं जल्दी से, तो हमारा अभी अपनी बिस्तर में गई हुई आराम से करेंगे तो आज हम, ठीक है। तो मैं अभी अमायरा को बुलाने गई हुई हूँ, उसे बुक मिल नहीं रही, भाग भाग के नहीं, खाना हमें वैसे भी च्यू करके स्लोली स्लोली खाना चाहिए, तो हम माँ बेटी आराम से प्यार से खाना खाएंगे, ठीक है। मैं कर्ड ले रही हूँ, आपको कर्ड नहीं मिलेगा, आप दूध लेना, ओके। ये वाली बुक है जो इसमें जो पोएम है कविता, और ये टिक्की जिसको खानी है वो खा लेना, बाकी जो बच गई वो आई विल ईट तक की। तो ये मायरा है वो इजीली लर्न कर सकती है। हाउ इज वेजी इंजी में से जो फोर्थ लाइन वाली होती है मैं उसको वो एमो हैव यू टेस्टेड। तो अब ये अपना मिल्क ले लेंगी और उसके बाद हम हमारी स्टार्ट करेंगी। दिविजा ने ये मैथ की बुक ले रखी है, उसे भी यही मैथ करना है, इस क्वेश्चन में वो अटकी हुई है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है यहाँ। और मैं अपनी टी ले आई हूं। Okay. तो अब ये हमारा अपनी याद कर रही है और दिविजा को मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ वन बाय वन करके। अभी वॉक करके आते हैं उसके बाद, ओके। इसके बाद हम क्लोथ चेंज करेंगे एंड ये बनाना खाएंगी क्योंकि एक्सरसाइज करेंगी वहाँ जाकर, आज मंडे को एक्सरसाइज डे होता है इनका कराटे क्लास, तो वी हैव डांडिया, एनर्जी चाहिए बच्चों को और वी डोंट हैव। तो अभी ये रेडी हो गई हैं जाने के लिए, मैं वाटर बॉटल वगैरह जो भी है एंड लाइट सब ऑन ऑफ जो भी करना होता है चेक करनी होती है मुझे जाने से पहले, और वही सब कर रही थी और ये आ गई हैं। तो अभी हम जाएंगे कराटे क्लास। कराटे क्लास की मैंने आज कोई वीडियो ऐसी बनाई नहीं है, एक्सरसाइज डे कर रही थी एंड आई वाज जस्ट सिटिंग एंड वॉचिंग। लिफ्ट का बटन है प्रेस, वीडियो है ये है हमारी वापस आते हुए की, हम वापस आ रहे हैं और यहाँ पे कुछ नंबर जो इनविजिबल हैं क्योंकि इसमें इतने ही टावर हैं, इतने ही फ्लोर हैं सॉरी। तो ये मुझे पूछ रही थी मम्मा कि आपको नंबर दिख रहे हैं, हमें तो दिख रहे हैं, तो बस ऐसे ही बात कर रहे थे। और फिर तो गाइस अभी हमारा स्टोरी टाइम, इन्होंने थोड़ा सा डांस किया था वहाँ से आने के बाद, क्योंकि आज हम डांस प्रैक्टिस किया ही नहीं था, भूल गए थे, अभी मुझे याद आया इन्होंने किया है दो बार, एक बार मैंने और स्टोरी रेड राइडिंग हुड है तब रखती है। और कौन सी करनी है बच्चे, रुपंजल वाली थंबलेन, ओके ठीक है ठीक है। दीज टू स्टोरीज ओके एंड टू स्टोरीज आई विल रीड, ठीक है। सो बच्चा से बाय बाय एंड गुड नाइट, इधर ओ मेरे बच्चा प्लीज से ना नाउ ओनली, ओके। अभी हमारा स्टोरीज विच द प्रिंसेस एंड द पी एंड The Naughty Monkey. Okay, these two stories I'm reading for Amira. So, she said that I have to record her video also. Bye. And after that, she will say bye-bye. So, Inji? Bye-bye.